अगर थोड़े से कर दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। साथ साथ ये बता दें फिर, आपका जो कल एहतजाज था कराची में, उसकी क्या वजूह थी, उसकी क्या वजह थी, और 18वीं तरमीम के ऊपर क्या अभी भी आप सिंध हुकूमत ये समझती है कि कोई जर्म आने वाला है? आज की बात नहीं है, ये पुराना किस्सा है और हमारे सैकड़ों कारकुनों ने जाने दिए हैं इस मसले के ऊपर। ये खुल के, और अब तो हमें कोई चीज साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग खुद, अब जो हुकूमत की पार्टनर गवर्नमेंट है उसके लोग खुद वहां पे, लीडर अल्ताफ हुसैन ही है और वो वहां मुजाहिरों में खड़े होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो हमें अब कुछ साबित करना नहीं है, लेकिन ये नए सूबे की बात नहीं है, ये नए मुल्क की बात है, ये पाकिस्तान को तोड़ने की बात है। और ये मंसूबा हम सन 96 में भी कहते थे, 95 में भी कहते थे, अमरीका, हिंदुस्तान और इसराइल ने बनाया है। और इसलिए कोई भी बात अगर इस पर की जाएगी कि अलग सूबा बनाया जाए या कुछ किया जाए या इस किस्म की बात की जाएगी, हम भरपूर एहतजाज करेंगे। फेडरेशन को, इस मुल्क को हमें बचाना है, इसराइली लॉबी को हम यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे, ये मैं साफ कह रहा हूँ। ये भी बात हुई थी कि अमरीकी फौजी आएंगे, और मैं जिम्मेदारी से रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, हमें धमकी दी गई थी कि अमरीकन फौज आएगी और हमें मुल्क लेके देगी। हमने कहा कि, और उस पर जवाब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ही दिया, कि अगर अमरीकन फौज आएगी तो मरने वालों में सबसे नीचे लाश मेरी तलाश करना। तो ये बात जो है ये तो पुराना मंसूबा है इसराइल का, अमरीका का। और अच्छा, वो उसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि ये कोई ग्रेटर गेम प्लान? लेकिन वो तो जाहिर है एक कंटिन्यूअस चल रहा है ना। वो तो सर जनूबी पंजाब के बारे में भी ये बात आती है कि उसको भी वो गलत इस चीज को उठाया जाता है। और इस वक्त जब इसराइल को तस्लीम किया गया है एक दोस्त मुल्क की तरफ से, जी इस वक्त ये बात करना फिर से, अच्छा आपको लगता है कि वो उससे, ठीक है जी। आलिया साहिबा कुछ बोलना चाह रही है, प्लीज ब्रीफ आलिया साहिबा, फिर मैं मोहसिन मैं कमेंट कर देती हूँ। मैं सिर्फ, इन्होंने कहा सेहत का बड़ा अच्छा निजाम है तो डॉक्टर फुरकान मेरी आंखों के सामने घूम गए।